7 सितंबर से पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। ये 10 दिन का पर्व होता है। वैसे तो ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका अपना एक खास ही महत्व है। 10 दिनों के इस उत्सव में पूरे महाराष्ट्र में भव्य गणपति पंडाल बनाए जाते हैं, जिसमें विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा स्थापित होती है। ये हम लोग के सब बच्चे लोग और सब कार्यकर्ते मैच देखते थे। लास्ट तक भारत को कुछ चांस नहीं था कि बाबा भारत जीतेगा करके, इंडिया जीतेगी करके। तो लास्ट में क्या, जय सूर्या ने अपना सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा चमत्कार दिखाया, कैच पकड़ा बाउंड्री पे। इसके लिए सबको बहुत आनंद हो गया कि अभी अपने पास आने वाला है वर्ल्ड कप, ICC 20 T20 कप। इसके लिए हम लोग ने सब लोग ने सोचा कि ये कप इस साल अपन 2024 में वर्ल्ड कप के ऊपर ही गणराज्य के आगमन करेंगे। जितने भी जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक स्पेशल शो भी दिखाया जा रहा है। इस तरीके से प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है। बहुत लोगों का प्रतिसाद मिलता है, बहुत लोगों का प्रतिसाद मिलता है। सब लोग देखते रहते, आते रहते, बोलते रहते, अच्छा है अच्छा है। सब बहुत से मीडिया लोग आके देख रहे हैं। जी बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। मैं फर्स्ट टाइम इतना देख रहा हूँ, और इतना बड़ा गणपति जी का आइडल यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लोग बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, और मैम जो मुझे सपोर्ट दे रही है यहाँ पर सभी गणपति में विजिट करवा रही है, बहुत बड़ी बात है यार, थैंक यू। गणेश उत्सव का दौर जहाँ पर जारी है, वहीं पर हर गणेश पंडाल से लेकर घरों में गणपति बप्पा की आराधना का दौर भी जारी है। इस खास मौके पर जहाँ पर साल 2024 में शानदार और यूनिक गणेश पंडाल बनाए गए, आज हम बात करेंगे मुंबई की खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लेन सार्वजनिक गणेश पंडाल, जिसने इस साल वर्ल्ड कप T20 की थीम पर बप्पा का विराजमान किया है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को 3 मिनट की वर्ल्ड कप की फिल्म दिखाई जाती है और फिर बप्पा के दर्शन कराए जाते हैं। इस अनोखी थीम और अंदाज को भक्त भी खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता ने वहां जाकर लोगों से बात की, उस पंडाल का पूरा जायजा लिया। एक बार आप भी सुनिए। में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। बात करें गणेश उत्सव की तो महाराष्ट्र राज्य में जो है गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से जो है 10 दिन मनाया जाता है। चाहे घर हो, गली हो या पंडाल, हर जगह बप्पा का विराजमान किया जाता है। ऐसा ही नज़ारा जो है मुंबई की खेतवाड़ी में देखने को मिलता है, जहाँ 12 से ज़्यादा पंडाल जो है अलग अलग थीम पर जो है बप्पा का विराजमान करते हैं। आज जिस पंडाल में हम मौजूद है वो है खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लेन सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, और आप देख सकते हो कि इस बार यहाँ पर बप्पा को जिस थीम पर विराजमान किया गया है वो है वर्ल्ड कप। ये क्षण जो है कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है, जिस वक्त जो है भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और इतने सालों बाद जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो हमारे देश भारत में लौट आई थी। तो इसी थीम के ऊपर जो है इस बार जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से बप्पा की जो प्रतिमा है वो इतनी विशाल है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस तरीके से बप्पा के हाथ में भारत का झंडा नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो मूषक की सवारी है उनके हाथ में जो है वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो नज़र आ रही है। बड़े ही अद्भुत थीम के ऊपर जो है इस बार खेतवाड़ी में यहाँ पर वर्ल्ड कप की थीम पर जो है बप्पा का विराजमान किया गया है, और लाखों की तादाद में जो भक्तगण है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। फिल्म स्टार्स हो जाए, बॉलीवुड स्टार्स हो जाए, या टीवी जगत के लोग जो है वो बड़ी तादाद में जो यहाँ पर जो है बप्पा के दर्शन करने आते हैं। आज गणेश उत्सव का जो है वो 3रा दिन है, और आप देख सकते हो कि आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने यहाँ पर बप्पा के दर्शन किए हैं, और किस तरीके से यूनिक तरीके से जो है वर्ल्ड कप की थीम से यहाँ पर बप्पा का विराजमान किया गया है। कैमरामैन अजय के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई।